सजना, जब यह चिट्ठी मिली उस अकबर ने, 7 लाख दस्ता था अकबर का, 7 लाख, 7 लाख का दस्ता लेके वो अकबर बादशाह चित्तौड़ के ऊपर चढ़ाई कर देता है। राजपूत उस चित्तौड़ के किले में अपना मोर्चा थाम कर बैठ जाते हैं। 7 लाख की सेना के नाक में दम कर दिया उन राजपूतों ने, काबू को नहीं आए। अकबर शिविर में बैठा मालदेव बुलाने वाले, अरे मालदेव क्या अचंबा है, थोड़े बहुत राजपूत हैं, क्या होगी इनकी संख्या, 50,000, 60,000, 7 लाख की सेना हुआ भी अकबर की, कुछ ना कुछ बात है। मालदेव नु कहना क्या महाराज, इस चित्तौड़ के किले के अंदर इन्हीं दो के मंदिर शिवालय हैं, गौशालाएं हैं, जब तक वो अपने स्थान पर हैं इनके देवी देवता भी इनके साथ हैं, मंदिर खंडित करो, गौ हत्या करो, पाप बढ़ाओ, जब ये अकेले पड़ेंगे नहीं तो जब तक इनके देवता इनके गले इनका पूर के कर सके। धर्म के ऊपर हमला होता है, गुप्तचरों के द्वारा गौ हत्या की जाती है, अल्लाह अकबर की बांग दी जाती है, देवता स्थान छोड़ जाते हैं, गाजर मुड़ी की डहर और राजपूत कट कट कर पड़ना शुरू हुए। थोड़े से अंगरक्षकों के बीच में वो जम्मल फतेह सिंह और शिष्यबदनी खड़े, वह शिष्यबदनी कहने लगे, ने बोली महाराज मैं कहूं थी ना अपने दिल्ली मत जाओ, नुबलार बावड़ी यह बात कही पतनाड़ का टाइम है, नुबली महाराज ई भी आपने एक रास्ता बता सकती हूं मैं, क्या रास्ता है कि महाराज एक काम कर लो, अक्के के बाज लो, नुबलार तू और इतना होंगे तेरे सर न उड़ा दू है, एक अक्षत्रारी कैसे बोल सकती है कि बाज लो, नुबली महाराज इतना खादा पाक तू कतई कोना बाजगा, बना मैं उलटे हटना इतना ये आ महाशामी की सदा।
कि महाराज के जब मेरा किमो हो जाना तो सस्पदनी फिर तू यो काम कर दिए।